गुरुवे नमः। हम श्री एम की आध्यात्मिक यात्रा का आनंद ले रहे हैं, तो उसी में आज एक नया अध्याय हम जोड़ने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। स्वामी सच्चिदानंद विनम्रता और समर्पण का एक जीता जागता उदाहरण। मैं इतने सारे योगियों, संतों, सन्यासियों से मिला हूँ, पर कन्हनगढ़ के आनंद आश्रम के स्वामी सच्चिदानंद से अधिक सरल, विनम्र और स्वयं को मिटा देने वाले किसी व्यक्ति को मैंने नहीं देखा। उनकी इतनी सुंदर स्मृतियां हैं मेरे मन में, पर उनके बारे में कभी भी कहने से पहले मैं आनंद आश्रम और उसके संस्थापक पापा रामदास और उनकी अनन्य शिष्य माता कृष्णाबाई के बारे में अवश्य बताना चाहता हूँ। स्वामी सच्चिदानंद की माता कृष्णाबाई से अत्यंत घनिष्ठता थी। स्वामी रामदास का जन्म 1884 में केरल में हुआ और उनका नाम था विठल राव। वे दक्षिण कर्नाटक के सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता ने उन्हें ओम श्री राम, जय राम के मंत्र से दीक्षित कर दिया था। सन 1920 में उन्होंने सांसारिक बंधनों को त्याग दिया और पूरे भारत का भ्रमण करने लगे। उस दौरान उनकी मुलाकात रमण महर्षि और श्री अरविंद जैसे आध्यात्मिक गुरुओं से हुई। अंततः एक गहन व आनंदप्रद यात्रा के बाद उन्हें अपने वास्तविक मूल की अनुभूति हुई और वे आत्मसिद्धि के परम आनंद में तल्लीन हो गए। सन 1931 में उनके भक्तों ने उत्तरी केरल के कान्हागढ़ में आनंद आश्रम की स्थापना की। वहां वे माता कृष्णाबाई के साथ रहने लगे। माता कृष्णाबाई ने भी उनकी कृपा से आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर ली थी। उन दोनों ने वहां के आम जनजीवन को सुधारने के लिए अथक परिश्रम किए। एक स्कूल की नींव डाली, मुफ्त दवाखाना बनवाया और बुनकरों के लिए सहकारी समिति की स्थापना की। सार्वभौमिक प्रेम और सेवा के संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने खूब भ्रमण किया। सबसे बड़ी बात कि वे स्वयं उस प्रेम और दया के साक्षात स्वरूप हो गए थे। उनका मंत्र ओम श्री राम, जय राम आज भी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा बिखेरते हुए 2400 घंटे आनंद आश्रम में गूंजता रहता है। बात है सन 1963 में पापा रामदास का देहांत हो गया और आश्रम की देखरेख की जिम्मेदारी माता कृष्णाबाई पर आ गई। माता कृष्णाबाई ने सन 1979 यानी कि 1989 में समाधि ली। स्वामी सच्चिदानंद संन्यास लेने से पहले अनंत शिवन के नाम से जाने जाते थे। वे लगभग 30 वर्ष की आयु में पापा रामदास के संपर्क में आए। सन 1949 में वे पारिवारिक संबंधों को त्याग कर सदा के लिए आश्रम आ गए। उसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और पापा रामदास और माता कृष्णाबाई की सेवा में जुट गए। माता के देहांत के पश्चात उनके गुरुओं द्वारा उन्हें यह गद्दी विरासत में दी गई और वे आश्रम के प्रधान बन गए। 12 अक्टूबर 2008 में उनका देहावसान हो गया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वे उसी तरह प्रेम और विनम्रता के प्रतीक बने रहे। स्वामी रामदास और माता कृष्णाबाई की शिक्षाओं का तो मैंने बहुत अध्ययन किया था, पर उनके उस आश्रम में जाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था और आज मुझे अत्यंत खेद है कि मैं स्वामी रामदास और माता कृष्णाबाई के दर्शन नहीं कर पाया। काफ़ी समय पश्चात पापा रामदास के भतीजे पादुकोने रामचंद्र राव मुझे पहली बार आनंद आश्रम ले गए। हम कार से बेंगलुरु से आनंद आश्रम तक पहुँचे। आश्रम पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। वहाँ के शांत व सुकून भरे वातावरण ने मुझ पर गहरा असर डाला। उस दिन रविवार था, अतः वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन कोई भी हरियाली के बीच में पहाड़ी पर स्थित उस मनोहर और आडंबर रहित परिसर की शांति को भंग नहीं कर रहा था। सबसे पहले हमने पापा रामदास और माता कृष्णाबाई की समाधियों के दर्शन किए।
जहाँ कुछ लोग ध्यान में बैठे थे। उनको प्रणाम कर रामचंद्र राव मुझे वहाँ के संचालक के पास ले गए, जो बाद में सन्यासी हो गए और स्वामी मुक्तानंद के नाम से पहचाने जाने लगे। स्वामी सच्चिदानंद के देहांत के बाद वे ही अब इस आश्रम के प्रधान हैं। वे सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए थे और मुझे बहुत ही शिष्टाचार और नर्म स्वभाव के व्यक्ति लगे। जल्द ही हमें स्वामी सच्चिदानंद के पास ले जाया गया, जहां हमने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। स्वामी सच्चिदानंद उस समय बहुत बूढ़े हो चुके थे। मैंने सुना था उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, परंतु उनके चेहरे पर उनकी बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। वे बहुत लंबे और सांवले थे और सन्यासियों का गेरुआ चोंगा पहने थे। बड़ी प्रसन्नता और मुस्कुराहट के साथ उन्होंने धीमे स्वर में हमारी कुशल क्षेम पूछी। फिर उन्होंने जानना चाहा कि वहाँ पर कितने दिन रहने का विचार है मेरा। उसके बाद मलयालम में बोले, इस वातावरण का पूरा फायदा उठाओ। राव ने तुम्हारे बारे में बताया है और मुझे लगता है कि तुम इस शांति में खूब आनंद पाओगे। जो पापा रामदास यहाँ बिखेरे हुए हैं, कई लोग उनसे मिलने के इंतज़ार में थे, अतः हमने उन्हें प्रणाम कर विदा मांगी। कल फिर आना, वे बोले, और समाधि पर शाम की प्रार्थना में जरूर आना। हमें साधारण से दो कमरे दे दिए गए थे। वहाँ सामान रखकर मैंने आश्रम का दौरा किया। वहाँ सब कुछ बहुत ही सादा परंतु सुरुचिपूर्ण था। गौशाला में बहुत सारी गायें थे। अखंड नाम जाप यानी कि ओम श्री राम जय राम का मंत्रोच्चार लगातार चल रहा था, जिसे एक के बाद एक कई लोग करते रहते थे। शाम को हम समाधि पर पहुँचे। वहाँ आरती हो रही थी और साथ ही सुंदर भजन भी गाए जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद पापा और माता की तस्वीरों को प्रणाम करने के लिए लोग खड़े होकर कतार में भी लग गए और फिर स्वामी सच्चिदानंद के सामने जा खड़े हुए, जो एक तरफ बैठे हुए हर व्यक्ति के हाथ में एक एक फूल पकड़ाते जा रहे थे। मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझे एक लाल गुलाब दिया और बोले, सब ठीक है? मैंने कहा, जी स्वामी जी। भोजन कक्ष में सादा परंतु स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। उस शाम मुझे समाधि पर बेहद आनंद आया और लगभग पूरी रात मैं एक मधुर समाधिस्थ अवस्था में डूबा रहा। मन में विचार आया, काश मेरे भटकाव के दिनों में बाबा जी मुझे यहाँ लाए होते। ये दोनों सचमुच पवित्र आत्माएं थीं। दो दिन के पश्चात हमने स्वामी जी से आज्ञा मांगी और वहाँ से चले आए। उसके बाद भी कई बार मैं उस आश्रम में गया। स्वामी जी और मुझे एक दूसरे से परस्पर स्नेह हो गया था। ऐसी ही एक भेंट के दौरान जब मैं स्वामी जी से अकेले में मिला तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि मुझे इस मंत्र से दीक्षित कर दें। मैं तो वैसे भी उस बहुत आनंद से जपा करता था। उन्होंने मेरी आँखों में देखा और कोमलता से पूछा, तो क्या तुम इस मंत्र की दीक्षा का पक्का निर्णय ले लिया है? जी हाँ, मैंने उत्तर दिया। क्या तुम्हारे बाबा जी ने तुम्हें इसके लिए अनुमति दे दी है? क्या तुम्हें तुम्हारे गुरुजी ने तुमसे कह दिया है कि तुम मंत्र दीक्षा ले सकते हो? मैंने कहा, जी हाँ। तब ठीक है, कल सुबह आना, तुम्हें मंत्र मिल जाएगा। मैं इतना प्रसन्न था जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगले दिन सुबह सुबह मैं जाकर स्वामी मुक्तानंद से मिला तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने मुझे सीधे अंदर चले आने को कहा है। मुझे फौरन अंदर ले जाया गया। स्वामी जी बोले, तो यह मंत्र तुम्हें दिया जा रहा है, पर याद रखना कि यह सारी व्यवस्था पापा करते हैं। तुम्हें दीक्षित करने वाला मैं नहीं हूँ, पापा रामदास ही गुरु हैं और वही तुम्हें दीक्षा देंगे इस मंत्र की। मैं सांस रोके इंतजार कर रहा था, शायद पापा रामदास स्वयं आकर मेरे कान में मंत्र फुसफुसाएंगे। परंतु असल में जो हुआ उसे देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। उस घटना ने मुझे विनय, दीनता और
आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा का सर्वोच्च सबक सिखाया। स्वामी जी ने एक टेप जारी किया और एक टेप रिकॉर्डर निकाला और उसको चला दिया। फिर बोले, ध्यान से सुनो, यह पापा रामदास की आवाज़ है, वे ही तुम्हें दीक्षा दे रहे हैं, वे तुम्हारे गुरु हैं और मैं उनका एक तुच्छ सेवक। पापा रामदास नर्म स्वर में उच्चारण कर रहे थे, ओम श्री राम, जय राम, जय जय राम। मेरा पूरा शरीर रोमांचित हो रहा था। मैं शुद्ध ब्रह्मा परमात्मा राम परम आनंद में नहा रहा था। ओह कैसा सौभाग्य, स्वयं पापा रामदास द्वारा दीक्षा और ऊपर से ऐसी कृपा कि उस उद्मत सौम्य अस्तित्व के चरणों में बैठकर यह सौभाग्य प्राप्त होना था मुझे। बिना कुछ बोले दंडवत प्रणाम कर मैं वहाँ से निकल आया। उस महंत मंत्र के आनंद में डूबे उतरते किसी तरह से अपने कमरे तक पहुँचा। उसके बाद पूरे 2 घंटे तक मैं उस आनंद सरोवर में रहा। अपने हृदय के एक अंतरंग कोने में उस आनंद को हमेशा के लिए सजोए अगले दिन मैं बेंगलोर वापस लौट आया। उसके बाद भी काफ़ी बार मैं वहाँ गया। वहाँ कई महान आत्माओं और साधकों से मेरी मुलाकात हुई। उनमें से एक से मैं पहली बार आनंद आश्रम में ही मिला, 91 वर्ष के एक बूढ़े स्वामी विश्वानंद, जिन्होंने रमण महर्षि और पापा रामदास के साथ काफ़ी समय बिताया था। 25 वर्ष तक उन्हें आनंदमयी माँ की सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था और मेरे प्रिय मित्र एक सच्चे साधक अजय कुमार सिंह से भी मेरा परिचय वहीं हुआ था। ऐसी ही एक यात्रा में वहाँ 3 अनजान साधुओं से भी भेंट हुई, जिन्हें आध्यात्मिक राह पर बहुत ही उन्नत पाया मैंने। उसी आश्रम में मैंने एक प्रिय मित्र जो कि एक सच्चा आध्यात्मिक जिज्ञासु है और जिन्हें मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, श्रीकांत, उनको भी पाया। वे आध्यात्मिक विषयों पर किताबें छापते हैं और पास ही रहते हैं। उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करने का मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ता। अंतिम बार जब मैं आश्रम गया तब स्वामी जी बहुत बीमार थे और हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने स्वामी मुक्तानंद के हाथों संदेश भेजा कि गुरु पूर्णिमा पर आश्रम में सत्संग करने के लिए मुझे और स्वयं स्वामी शंकरानंद को बुलाया जाए। क्योंकि स्वामी जी बेहद बीमार थे अतः उनका आना तो अपेक्षित नहीं था, परंतु उसी सुबह वे अचानक आश्रम पहुंच गए। वे इतने बीमार थे कि सत्संग में उपस्थित न रह सके। लौटने से पहले मैं उनसे विदा लेने पहुंचा। दंडवत करने के बाद जब मैं उठा तो ऐसा लगा जैसा कि मैं उन्हें अंतिम बार देख रहा हूँ। उनकी आँखें मानो कह रही थी, बहुत थक गया हूँ इस शरीर का वजन ढोते ढोते, अब उसे उतार फेंकना चाहता हूँ, अगली बार पूरी तरह से मुक्त होकर मिलेंगे।